आगे बुआ लगे। बाड़मेर के समाजसेवी व उद्यमी तन सिंह चौहान को हजारों लोगों ने बुधवार को सजल नेत्रों से अंतिम विदाई दी। चौहान ने मंगलवार रात अंतिम सांस ली थी। चौहान के अंतिम दर्शन के लिए सुबह से ही लोगों का तांता उनके आवास पर लगा रहा। चौहान को उनके पुत्र जोगेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह ने मुखाग्नि दी। छोटे से गाँव जूना में जन्म लेने के बाद वाहन चालक के काम से शुरुआत कर ठेकेदारी में किस्मत आजमा कर ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंचने वाले तन सिंह चौहान का मंगलवार रात 9 बजे निधन हो गया था। कांग्रेस और भाजपा के केंद्र एवं प्रदेश के नेताओं से मधुर संबंध रखने वाले तन सिंह चौहान के निधन के समाचार से पूरे मारवाड़ में शोक की लहर दौड़ पड़ी। चौहान के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर बुधवार को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गांधीनगर स्थित निवास पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जैसलमेर विधायक रूपाराम धंदे, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर देवी सिंह भाटी, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी, पूर्व मंत्री गफूर अहमद, बाड़मेर पुलिस अधीक्षक सरह चौधरी ने चौहान के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चौहान की शव यात्रा उनके निवास से उसी ट्रक में निकाली गई जिस ट्रक से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी। गांधीनगर से निकली उनकी अंतिम यात्रा पुराना जाटावास भगवान दास दोषी निवास के पास होते हुए स्टेशन रोड होते हुए मोक्ष मार्ग पहुंची। उनकी शव यात्रा में हजारों लोगों ने शिरकत की। मोक्ष मार्ग स्थित राजपूत समाज शमशान घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। समाजसेवी तन सिंह चौहान पिछले करीब 2 साल से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। गर्दन के पास कैंसर के पास उपचार से एक बार तो वह ठीक हो गए थे, लेकिन एक माह पूर्व उनकी तबीयत फिर नासाज हो गई तो उन्हें अहमदाबाद से उपचार के लिए ले जाया गया। वहां स्थिति खराब होने के चलते 4 दिन पूर्व ही उन्हें बाड़मेर लाया गया था। मंगलवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली।